अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खराब होंगे। आज वही कल वाले व्लॉग की शाम से मैं जो है नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मामू हजूर की तबीयत पहले से बेहतर हुई है तो वो उठ के आ गए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने आज ही काम करना है, क्योंकि रात रात में जो है वो आपका काउंटर सूख भी जाएगा और बच्चे हाथ वगैरह भी नहीं लगाएंगे, तो मेरा आधा काम जो है वो आज ही निबट जाएगा। फिर मैं कल आके सुरसे हाल दे के उसको प्लस्तर वगैरह का जो भी सिस्टम मामू ने करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने मामू को देनी है मेडिसन, ठीक है, अभी देते हैं मामू को मेडिसन। क्यों मामू जान मेडिसन दूँ? दवाई दूँ? दूँ चाय शाय बना के दूँ? तबीयत सेट है? काम करना है? काम नहीं करना सुबह? नहीं करना सुबह? अब नहीं करना? पक्की बात है? चले जी, ये बंदा फिर मुकर गया गाइस। इसने बच्चों को लगा के ये सारे फटे वगैरह जो है ना ये उस अम्मी की तरफ से मंगवाए हैं, खुद खड़ा हो गया। अहमद को इसने साथ लगाया है, आए रुखसार को लगाया, देखो पूरा घर कितना डिस्टर्ब हुआ पड़ा, अभी काम स्टार्ट हुआ और पूरा घर कितना डिस्टर्ब है, ठीक है। अभी मामू को मेडिसन देते और इनके लिए चाय बनाते हैं। गाइस इस बंदे को मैंने मेडिसिन दे दी, इसको होश आई है, तो ये मुझे क्या फरमा रहे हैं मामू दोबारा? मुझे भी ये दे दे। तुझे ये दे क्या दे दूं? मुझे कहते हैं तुम सारे ब्लॉग नेट पे मेरी सारी बातें नेट पे अपलोड करोगे। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं क्या मिलेंगे, मैं उसे पैसे मिलेंगे? तो कहते आधे मुझे दे देना। मामू कितना चाहिए? 50 रुपए? हाँ 50 लाख। अच्छा चाय पीनी है कि 50 लाख ही लाना पहले? की कहता पहले चाय दे दो, 50 लाख बाद दे देना। तो यहाँ पे मामू की चाय बन रही है, ये देखें, ठीक है। तो मैंने कहा इस चूल्हे पे आखिरी बार चाय शाय बना ली जाए, क्योंकि फिर हमने ये सारा यहाँ से उठा देना है, इसको क्लीन करना है और इसको फिर मैंने स्टोर में चाय बोल गई स्टोर में इसको करेंगे शिफ्ट इंशाल्लाह। और ये बर्तन वगैरह सारे कुछ भी वॉश करने, क्योंकि वॉश देखें ये सारा ख़राब हो गया ना, ये देखें तो इधर वॉश नहीं हो रहे, तो अभी हमें छत पे शिफ्ट करने पड़ेंगे या सिस्टर की तरफ जो है कुकिंग का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चाय शाय पीते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मामू चार गिलास चाहिए कि कप च दो जी? चलिए आपका ट्यूशन का टाइम हो गया, हरी अब ओल्ड इज गोल्ड गाइस। पहले लोग इसी तरह करते थे, प्लेटों में वो पिर्च जो होती है ना मामू, कप जो पिर्च छुपा के पीनी है ना प्लेट में पिर्च में। तो मामू क्या कर रहे हैं, मैंने कप में दी है तो मामू ने ग्लास में उसको कन्वर्ट किया और कप में थोड़ी थोड़ी डाल पिर्च लिया था पिछली आधा नहीं की हो गया मामू सड़ गई है तेरी चाय तो मेरी चाय तो किचन ची रह गई मामू। ये देखे जी मेरा फेवरेट कप और मेरी चाय, ऐ देख मैं भी चाय बनाई अपने लिए भी पीनी हूँ। अब तो भी ये सेट है, सेट हो ही जाएगी, काम शुरू करें फिर? काम नहीं शुरू तोखा बड़ा मामू आ देखिया तू एवे की हाल चाल, मेरे मेरे पूरे घर का नक्शा बिगड़िया, एवे मेरे वॉशरूम चिट्टा पईयां ने। सुबह कितने बजे आओगे? 6 बजे? 6 बजे नहीं आना? नहीं 6 बजे नहीं आना, नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि 6 बजे आपने नहीं आना, क्योंकि 7:30 7:15 बच्चों ने घर से जाना है। नाश्ता नहीं मैंने उनके लिए बनाना बनाना है ना, नाश्ता बना के दूंगी, फिर मोहसिन को नाश्ता बना के दूंगी, वो जाएंगे फिर ही हम यहाँ से चूल्हा वगैरह हटाएंगे तो फिर ही, ठीक है। सुबह 8 बजे आ जाना आप, डन है? नहीं 8 पूरे 8 बजे तो नहीं आ जाना? हाँ यहाँ जाना मेरे जान 7 बजे। क्यों 8 बजे पूरे इतने हो? नहीं पहले हो। चलो ठीक पौने 8 नाश्ता इतना करना पौने 8 ओके डन।
मामू ने तो अपनी चाय कर ली है फिनिश, तो मैं अपनी चाय लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा साथ में केक रस मेरे पास इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो मामू को धोखा दे के खुद वो खाते हैं। ठीक है, आपने दवाई सवाई खाई, रेस्ट करें, हम केक रस खाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये केक क्या बर्फी लिया? बर्फी नहीं, मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे मिठाई नहीं पसंद। केक ला दो मुझे जितने मर्जी। तो मैं अपने ये देखिए मेरे तौलिए शोलिए पूरे घर में तौलिए शोलिए पता नहीं क्या क्या बिखरा ही पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे घर की, कोई समझ नहीं आ रही है। खुदा का वास्ता सुबह छेती काम कर दी क्या सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम इंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। क्या फरमाया मामू हजूर? नहीं नहीं, उन जी को दिल करता है घर जावा। अच्छा, मैं दसा मेनू की लगा, मैं क्या क्या मेरा दिल करता है घर जावा, उतली मंजर ते जावा, तो बाद चाल ला दवा। मैं तेन कह लगी था मेरा पहले काम कर ला, बेल चाल मार दी। नवे चुल्हे तो मैनू तेरे चावल तेरी बिरयानी पकानी पै जा। इंज दा नहीं सोचना, अल्लाह हू अकबर, ऐ सारी सोचना। अच्छा मामू, अच्छा जी चाय शाय पी ली है मामू से, बातें शातें हो गई हैं, सारा फन टाइम हो गया खत्म। अब आए हैं एसी की सर्विस करने के लिए, भाई दोनों रूम के एसी भी करवाते हैं सर्विस, तो चेक करवाते हैं, कोई गैस शैस कम है तो वो फिर दोबारा करवाते हैं, और उनको उतरवा के उनके अच्छे से जो है वो सर्विस करवाते हैं, उनको वॉश करवाते हैं, फिल्टर वगैरह जो भी चेंज होना है जो भी करना है, ताकि गर्मियाँ ईजीली गुजरे। लो जी भाई ने चेक किया, उन्होंने कहा है कोई इशू नहीं है एसी को, जस्ट इसका वो होने वाला है। मामू की होने वाला है सफाई नहीं, सर्विस कहते हैं। अच्छा, सर्विस सर्विस होने वाली है इसके। मामू ठंडी हवा आ रही है? बढ़िया आ रही है, मज़ा आ रहा है ना? नहीं, नहीं आ रहा, ठंडी हवा का मज़ा नहीं आ रहा। बड़ा ही सुकून हो रहा ना मेरे घर, चुंजी सुकून है नहीं हा? मेरे घर चला ने वैसे ही सुकून रखा, सुकून किया है। अच्छा जी गाइस, भाई जो है वो चेक करके चले गए, उन्होंने कहा है कि कल आएंगे इसी टाइम इवनिंग में, और दोनों एसी उतार के तो इसकी सर्विस करेंगे, और मौसी ने कहा है कि इसके जो पाइप शाइप चेंज कर दें, ताकि पता नहीं क्यों मौसी ने कहा है कि इसको उसके ऊपर कोई रैप शैप भी चढ़ाना है, और इसको सिक्योर करना है, डबल सिक्योर करना है, तो कल वो सारा टोटली काम होगा। ठीक है, आज तो खाली हमें चला के देखे हैं, चलता तो खैर पहले भी था, मैंने कहा था अभी स्टार्ट ना करें क्योंकि इतनी बिजली महंगी हो चुकी है, आपको मैं क्या बताऊँ, तो मैंने कहा चले अभी नहीं स्टार्ट करते, लेकिन वो चला के देखे हैं, मुझे कहते इसको चलाएँ ताकि मुझे पता चले कि ये किस हद तक कितना काम कर रहा है, अगर इसका कोई गैस वैस का भी थोड़ा बहुत अगर डालनी पड़े तो वो भी हम डालेंगे। ठीक है, तो अभी तो बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सुकून ठंडी हवा आ रही है। ये बंदा आज नहीं मेरी जान छोड़ने वाला, काम इसने किया नहीं है, बातें मुझे इधर उधर की आज सुना के जाएगा सारी। ठीक है, तो फिलहाल हम करते हैं ठंडा ठंडा एसी इंजॉय, फिर इसके बाद बनाएंगे खाना छाना। आज खाना छाना मैंने कोई नहीं बनाना, कोई खाना छाना नहीं बनाना, क्योंकि मोहसिन ने कल मेरे से बनवाया था दाल कद्दू, और मैं दाल बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए मैंने अपने लिए अलग से सालन बनाया था, तो दाल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बन गई, तो अभी वो तकरीबन हाफ बची पड़ी है, तो आज वही खाना चलेगा। सुबह जो है वो इंशाल्लाह वो सुबह इंशाल्लाह जो है वो बनेंगे आलू के पराठे, और देन दोपहर को फिर कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह, कुछ और खाना बनाना बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं करती हूँ मामू से बातें, आप मुझे दे इजाज़त। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, अल्लाह हाफिज़।